हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स क्लास 3 टर्म 1। आज हम लोग टर्म 1 आपकी मैथ्स बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 4 है, पैटर्न्स एंड सिमेट्री। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द पैटर्न्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। दिस इंटरैक्टिव रिकॉल इज फॉर दैट ओनली, टू मेमोराइज योर प्रीवियस क्लास सिलेबस ऑफ पैटर्न्स। So you have to do it by your own self. Let's start. Patterns. A pattern is a set of objects, figures, or numbers that are repeated in a logical manner or at regular intervals. Bachcho, pattern ho sakta hai ek set of objects ya koi figures या नंबर्स जो कि एक लॉजिकल मैनर में अरेंज्ड हो और उसी तरह से रिपीट हो रहे हो इन रेगुलर इंटरवल्स में। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। वन ट्रायंगल हैज गिवन हियर, देन अगेन एक ट्रायंगल है, देन वन ट्रायंगल इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अगेन वन ट्रायंगल इज इन मीन्स इन सेम डायरेक्शन, वन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वन अगेन ऑफ इट्स अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से आप देखोगे तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये एक क्या फॉर्म कर रहा है? पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अ पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीरीज और अ सीक्वेंस। पैटर्न को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सीरीज और अ सीक्वेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। A pattern is a design or an arrangement that repeats continuously following a specific rule. एक pattern या एक design or an arrangement इस तरह का होता है कि वो repeat होते जाता है, but in a specific rule, उसका एक rule होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखो एक triangle था तो यहाँ पर एक triangle है, then one opposite triangle है, same उसने इस मतलब जो वे है, जो सीक्वेंस है उसको फॉलो किया है, ठीक है। जो सीक्वेंस उसका कहीं भी बिगड़ा नहीं है, तो पैटर्न ऐसे ही होता है। पैटर्न्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट स्टाइल्स। पैटर्न्स को हम थ्री डिफरेंट स्टाइल्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोइंग और इंक्रीजिंग पैटर्न। ग्रोइंग मीन्स जैसे कि ये वाले पैटर्न में आपने देखा, वन के बाद टू हो गया, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव। रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न्स, अगर हम लोग इसको अपोजिट देखें तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर फाइव है, फिर यहाँ पर फोर, यहाँ थ्री, यहाँ टू, यहाँ पर वन, मीन्स ये रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, है ना। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, या इसके इसे हम रिड्यूसिंग पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, मतलब कम होते जाना। द थर्ड इज रिपीटिंग पैटर्न्स। रिपीटिंग पैटर्न्स में ऐसा होता है बच्चों कि दोनों ही रिपीट होते जाते हैं, हर बार वो नंबर्स क्या होते हैं? रिपीट होते जाते हैं, बट इन अ स्पेसिफिक रूल। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखो ग्रोइंग पैटर्न्स जो कि फर्स्ट हमारा था, तो ग्रोइंग पैटर्न्स में देखो यहाँ पर एक मीन्स ओनली डॉट इज हेयर, बट हेयर वन, एक मतलब पेटल आ चुका है फ्लावर का, फिर यहाँ पर दो पेटल्स हैं फ्लावर में, यहाँ पर थ्री, फोर एंड देन फाइव, मीन्स ये क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। द सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग पैटर्न। अब यहाँ जो फ्लावर में पेटल थे वो यहाँ पर फाइव है, देन उसमें से एक कम हो गया, है ना, वन रिड्यूस हो गया, देन फोर बचे, फिर उसके बाद टू रिड्यूस्ड तो थ्री यहाँ पर लेफ्ट है, देन टू, देन वन, देन नो पेटल्स आर देयर। तो ये क्या हो गया? हमारा रिड्यूसिंग पैटर्न का एक एग्जांपल हो गया। नाउ रिपीटिंग पैटर्न्स। सी, रिपीटिंग पैटर्न्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर दो एरो है जो कि डाउनवर्ड्स की पोजिशन पे है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर टू एरोज हैं जो कि आपके अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन अगेन टू एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन टू रोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये क्या हो रहा है? ये हर एक बार सीक्वेंस क्या होते जा रहा है? हमारा रिपीट होते जा रहा है, ना कोई ग्रोइंग मतलब ग्रो हो रहा है ना कि रिड्यूस हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिपीटिंग पैटर्न बोल रहे हैं। ओके अब अगर हम लोग देखें तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा अभी पैटर्न्स का, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? द थ्री टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर, हम लोग पैटर्न्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज नंबर पैटर्न्स, सेकेंड पिक्चर पैटर्न्स
एंड थर्ड अल्फाबेट पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स एज जिस नेम से ही पता चल रहा है कि नंबर्स 1, 2, 3, 4 काउंटिंग होंगी उसमें। पिक्चर पैटर्न में पिक्चर्स होंगे और अल्फाबेट में A to Z अल्फाबेट से ये पैटर्न चलेगा। ठीक है, द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, द इवन एंड ऑड नंबर्स, द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, ऑल ऑफ देम फ्रॉम फॉर्म पैटर्न्स दैट फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। अब हम देखते हैं आपका चैप्टर 4 का प्रैक्टिस 4.1 जो कि पेज नंबर 66 में दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये हमारे सामने एक पैटर्न्स मीन्स एक्सरसाइज दी हुई है पैटर्न्स की, इसमें फिलअप्स दिए हुए हैं जिसको हमको कंप्लीट करना है। वी हैव टू कंप्लीट इट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक सीरीज है, नंबर सीरीज, नंबर सीक्वेंस दिया हुआ है। 1, 1, 11, 1, 3, 13, 1, 5, 15। यहाँ बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1, 1, 11 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1, 2, 12 जो कि मिसिंग है, है ना। 1, 3, 13 देन आफ्टर 1, 4, 14 इज मिसिंग। सो 1, 5, 15 देन आफ्टर विच नंबर विल कम, ऑब्वियसली हम 1, 6, 16 को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 7, 17 क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा हर एक नंबर में प्लस टू होते जा रहा है। 11 के बाद डायरेक्ट हम 2 जंप कर रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15 डायरेक्ट प्लस 2 जंप कर रहे हैं। तो 17 के बाद भी यूजुअली क्या आना चाहिए, 17, 18, 19 डायरेक्ट 2 जंप करेंगे हम। सेकेंड 95 है, उसके बाद क्या हो रहा है, 89। अब 95 इज ग्रेटर देन 89 और 89 क्या है, 95 से स्मॉलर है। मीन्स यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि यहाँ हमारा एक ग्रोइंग पैटर्न का एग्जाम्पल था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग पैटर्न का एग्जाम्पल है। 95 के बाद अगर हम लोग 89 में पहुँचे तो हमने यहाँ पर कितने लेस किए हैं, मीन्स कितना जंप करके हम लोग पीछे गए हैं। 95 माइनस 89 करें तो यहाँ पर क्या जा रहा है, माइनस सिक्स हम लोग बैकवर्ड जंप कर रहे हैं। तो 89 में अगर हम लोग 6 बैक आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, रिवर्स काउंटिंग में आएंगे तो यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग हो रही है ना। 89 के पहले अगर रिवर्स काउंटिंग हम लोग करते हैं तो क्या आना चाहिए, 89 के बाद 88, 87, 86, 85, 84, 83। अब यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 83। देन अगेन 6 हम बैकवर्ड चलेंगे, रिवर्स काउंट करेंगे तो 83 के बाद 82, 81, 80, देन 79, 78, 77। ओके, सो दिस इज रिड्यूसिंग पैटर्न, एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग पैटर्न। देन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्फाबेट पैटर्न का भी। तो अल्फाबेट पैटर्न में बच्चों हमको सीक्वेंस फॉलो करना है, बिल्कुल AC, A के बाद B को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जंप कर दिया है। ठीक है, B हमने लीव कर दिया है या हम लोग बोले प्लस 2 हम लोग आगे गए हैं। अब AC देन BD, B यहाँ पर C हमारा छूटा हुआ है, देन EG, F इज लेफ्ट हेयर, FH मीन्स G इज लेफ्ट हेयर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कैसा पैटर्न चल रहा है, A B, है ना, फिर EF, देन वॉट विल कम हेयर, AB के बाद डायरेक्ट यहां पर C और D क्या है, लेफ्ट है, देन EF। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, G और H को लीव करके हम कहां पर आ जाएंगे, I में, I, J को हम छोड़ेंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पर, K। ओके, देन I, J, K और यहाँ पर आ जाएगा L। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी पैटर्न्स को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द पिक्चर पैटर्न। अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सही आंसर को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, सी 1 ट्राइंगल इज हेयर, देन 4 ट्राइंगल्स आर देयर, देन 5 ट्राइंगल्स आर हेयर।
ठीक है, आप पिक्चर की सेटिंग को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देन अगेन वन ट्राइंगल, देन फोर ट्राइंगल, देन वॉट विल कम। यहाँ पर हम लोग जैसे सीक्वेंस देख रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर टू इज करेक्ट। सी, वन क्रॉस देन एड, देन क्रॉस देन एड, देन क्रॉस देन वॉट विल कम, एड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है, आपको नोटबुक पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डॉट ग्रिड्स। यहाँ पर बच्चों एक डॉट ग्रिड्स दी हुई है, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ डॉट ग्रिड। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर देखो रो और कॉलम्स में डॉट्स अरेंज हैं, जिसको हमको क्या करना है, वी कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड डिजाइन यूजिंग अ डॉट ग्रिड। हम लोग ये डॉट ग्रिड यूज करके कई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और डिजाइन बना सकते हैं। वन एग्जाम्पल हैज ऑलरेडी गिवन हियर। सी, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर इन पेज नंबर 68। सी, लेट अस लुक एट सम मोर कलरफुल पैटर्न्स मेड इन द डॉट ग्रिड। तो दिस टाइप ऑफ मीन्स आप भी इस वे को फॉलो करते हुए अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स इसमें बना सकते हैं इस डॉट ग्रिड में। आई एम लीविंग दिस फॉर यू, यू हैव टू ड्रॉ एंड कलर इट बाय योर ओन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द सिमेट्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री। सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री बेटा? सिमेट्री मीन्स व्हेन वन हाफ ऑफ अ गिवन शेप इज एग्जैक्टली द सेम एज द अदर हाफ। सच शेप्स, फिगर्स और इमेजेस आर कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप। सी, लुक एट दिस गिवन पिक्चर, गिवन शेप। यहाँ पर एक काइट दी हुई है हमको, लुक दिस काइट, और ये एक इसमें लाइन ड्रॉ है बिल्कुल इसके मिडल पे। मीन्स इसका एक हाफ जो है, अगर हम लोग उसको मिरर में देखेंगे तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट हाफ के जैसा दिखाई देगा। मतलब ये एक पूरा पिक्चर कंप्लीट हमको मिलेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री मीन्स हमको एक ऐसा शेप, हाफ शेप, एक ऐसा वन हाफ शेप रहे जिसका एग्जैक्टली उसका अदर हाफ हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी शेप, फिगर या इमेजेस को सिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सिमेट्रिकल शेप इज लाइन ऑफ सिमेट्री। द लाइन दैट डिवाइड्स द फिगर इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर, पैटर्न, शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। लुक एट हेयर, वन मैंगो इज गिवन हेयर। मैंगो का शेप बेटा टोटली डिफरेंट होता है। देखो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है, उसमें अगर इस हाफ को हम लोग मिरर में देखेंगे कि तो ये हाफ हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली द से बोथ इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल शेप एंड इट इज नॉट ड्रॉन द लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री करेक्टली ड्रॉ नहीं की गई है। देन लुक एट दिस वाटरमेलन इमेज हियर। इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है वो बिल्कुल क्या है, एकदम मिडिल में है इस इमेज के, और इस इमेज को बिल्कुल करेक्ट टू हाफ्स में डिवाइड करती है। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इमेज इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल शेप। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। एग्जांपल नंबर 11, बिफोर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस 4.3 यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिस 4.3। Look at the pictures given below. Does the dotted line divide each picture into two symmetrical halves? Tick the correct answer. See, question number A. This is the line of symmetry. क्या ये line of symmetry इस तरह से draw है कि ये correct two halves में divide हो रहे हैं, identical halves में? Yes. ये बिल्कुल अगर इस half को हम लोग देखें तो इस half के जैसे दिखाई दे रहा है. It means that it is correct. The next one, is it draw the line properly of line of symmetry? Yes, the first half is just as similar as the second half. So this is also the correct. The next question, see, इसमें ये जो line draw हुई है symmetry line of symmetry, क्या ये दोनों को exactly two halves में divide कर रही है, similar halves में? नहीं दिख रहा ना बच्चों, that it means no. Okay, so
Like this only you have to complete this practice 4.3 in your maths book. This all questions you have to do in your book only. No need to do in notebook. The last page is revision time. Revision time is for your revision. आपने कितना कुछ इस चैप्टर में सीखा. So you have to do it by your own in the maths book only. Then after बच्चों आपका ये term 1 maths book complete होता है. Okay? अब हम लोग term 2 पढ़ेंगे. Till then, bye.